खबर शामिल करते हैं सरगोधा से, जहां पर सरगोधा की तहसील साहिवाल में सरकारी हिदायत की रोशनी में महकमा एजुकेशन तहसील साहिवाल के ज़ेर एहतमाम पंजाब रहतल दिहाड़ा मनाया गया। तकरीब का इनेकाद गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मबहारे खान में किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर साहिवाल तहसील साहिवाल मैडम रानी फरजाना ने खुसूसी शिरकत की। हेड मिस्ट्रेस समन गुल राना समेत इसातिज़ा बच्चों और शहरियों की कसी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल मबहारे खान के बच्चों ने पंजाबी रहतल के मुख्तलिफ रंगों को उजागर करने वाले खाके और टेबलोज पेश किए। यहाँ यह अमर काबिले जिक्र है, सरकारी तालीमी इदारों में पहली बार इस तरह की मुनज़्ज़म तकरीब का अहतमाम किया गया और बच्चों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जनाना तहसील साहिवाल रानी फरजाना ने बच्चों और हेड मिस्ट्रेस समन गुल की काविश को सराहा। कैमरामैन टीम के साथ राना अनवर हयात, डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ, पाक पंजाब न्यूज़, सरगोधा। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक। परवेज बशीर कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक चाचा बस्ती चौक से पुराना नादरा ऑफिस तक रोड को जल्द तामीर कराया जाए। रोड टूट फूट की वजह से कारोबार तबाह हो गई है, मिट्टी और धूल की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं। डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहमदपुर शर्किया चाचा बस्ती चौक से पुराना नादरा ऑफिस तक अरसा दराज से रोड टूट फूट का शिकार है, जिससे आए दिन इस रोड की वजह से हादसात और गाड़ियाँ खटारा हो रही हैं। इस दौरान ऑटो एसोसिएशन के सरपरस्त आला हाजी मोहम्मद अरशद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि इस टूट फूट रोड की वजह से हमारा जीना मुहाल हो गया है, मट्टी और धूल की वजह से बीमारियां पैदा हो रही हैं और हमारे कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। महंगाई ने पहले ही हमें परेशान किया हुआ है। दूसरा, इस रोड के ठेकेदार की नाअहली और सुस्त रवि की वजह से रोड बनने का नाम ही नहीं ले रही। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर से मुतालबा किया है कि इस रोड के बनाने वाले जिम्मेदारान के खिलाफ नोटिस लिया जाए, ताकि इस रोड की तामीर जल्द से जल्द कराई जाए। चाचा बस्ती चौक चौक से लेके मदीना मस्जिद नादरा तक रोड बड़े अरसा दराज से मुतासर है, कारोबार सारे हमारे ख़राब हो चुके हैं, लिहाजा इंतज़ामिया फौरन कोई एक्शन गेंद के मुकम्मल तैयार करवाए। कारोबार हमारे बिल्कुल दो साल से फ्लॉप हो गए हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं, तब सबकी सेहत मिट्टी गर्दो गुबार से ख़राब हो चुकी है, लिहाजा इंतज़ामिया मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी ये लाहे अमल मुकम्मल करवाए। खबर शामिल करते हैं अहमदपुर शर्किया से, हमारे नुमाइंदे रईस खुर्शीद अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हल्का पीपी एमपीए 249 मियां रफाकत अल रहमान रहमानी ने तहसील वाइस प्रेसिडेंट खालिद चौहान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहि जमात है, जिसके इकतदार में आने के बाद मुल्क में खुशहाली आई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत लाखों खानदान मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मजीद कहा कि मैं कामयाब होकर अपने हलके को मिसाली बनाऊंगा। दूसरी जानब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी व उम्मीदवार एमपीए हल्का 250 मखदूम सैयद आमिर शाह व उम्मीदवार एमपीए हल्का पीपी 251 सैयद नसीम अब्बास शाह ने कागजात नामजदगी जमा कराई। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में कारकुन मौजूद थे, जिन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों के हक में नारेबाजी की। खबर शामिल करते हैं सरगोधा से, हमारे रिपोर्टर शेख आबिद नफीस के मुताबिक पीटीआई एहतजाज सरगोधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर कारकुन सड़कों पर निकल आए। खयाम चौक पर कारकुनों का इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कारकुनों ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। इमरान खान हमारी रेडलाइन है, एमएनए जावेद पढ़ाई च, अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। उस वक्त से डरो, रात की लाठी पे आवाज है। लाठी गोली कहने से क्या बात की धारा। पाक पंजाब न्यूज़ में खुश आमदीद खबर शामिल करते हैं। मरोट से मोहम्मद जमील कादरी की रिपोर्ट के मुताबिक मरोट एसएचओ मोहम्मद अकबर गुजर की ज़ेर क़यादत महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। एसएचओ थाना मरोट मोहम्मद अकबर गुजर की ज़ेर क़यादत थाना मरोट में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा और कुरान खानी की गई, जिसमें सियासी समाजी कारोबारी और सहाफ़ियों ने शिरकत की। तिलावत कुरान पाक सदर आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोट राशिद महमूद के बाद मोहम्मद अहमद रजा कादरी और मोहम्मद जमील कादरी ने हदिया नात पेश की। ख़त्म पाक के बाद एसएचओ थाना मरोट मोहम्मद अकबर गुज्जर ने दुरूद ताज पेश किया। मुल्क व कौम के मुहाफिज पंजाब पुलिस के शौदा के दर्जात व बुलंदी के लिए
खुसूसी दुआ की गई, जिसमें अलहाज तालिब हुसैन, मोहम्मद खालिद मुश्ताक चौधरी, मोहम्मद इसरार अनमोल, हाजी मोहम्मद अरशद, लाला फरियाद हुसैन भट्टी और सिटी प्रेस क्लब मरोट के सदर मियां मोहम्मद शब्बीर बटो, सदर नेशनल प्रेस क्लब मरोट हाफिज इश्तियाक अहमद, चौधरी मोहम्मद अवेस, सदर आज़ाद मीडिया प्रेस क्लब मरोट राशिद महमूद, सैयद नबीद अंजुम शाह, फौजी मोहम्मद इस्माइल जमशेद इदरीस वड़ाई और दीगर ने शिरकत की। सिक्योरिटी ब्रांच से मोहम्मद मुजफ्फर महर के हमरा, ASI जियाउर रहमान, ASI सैयद अब्बास शाह, SI मोहम्मद रियाज, मोहर्रर थाना मरोट गुलाम मुस्तफ़ा, मोहर्रर थाना मून मरोट गुलाम मुर्तजा गुल, SI मोहम्मद अहसन और दीगर पुलिस के चिर जवानों ने महफिल मिलाद मुस्तफ़ा खसूसी दुआ में मुल्क व कौम पाक आर्मी और पंजाब पुलिस के शहदा के लिए खसूसी दुआ की। अच्छा जेडे मदीना वेखना चाहते एक बार बोलो बोलना सुभान अल्लाह।